शादीशुदा आदमी का हालत ये देखो हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं नसीब फोटा शादी का साइड इफेक्ट टॉर्चर हो रहा है उनके ऊपर वो यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं क्योंकि आजकल के आधे लड़कियों को तो सब्जी काटना आता नहीं है आता है टाइम बहुत हो गया है इसीलिए मैं आपको दी हूँ ठीक है हम लोग आज बना रहे हैं फ्राइड राइस परवल की सब्जी और दाल राइस बिखरा हुआ है वहां पे परवल का फ्राई हो रहा है पोस्ट कर दो मशरूम को पीछे क्या ये करो कट करो पोस्ट कर दो ना चालू अच्छी आलू ठीक है जी हैप्पी दिवाली गाइस भूल गई थी क्या हाँ मैं भूल गई थी कि आज दिवाली है आपको तो याद था ना मैं बस तुम्हारा टेस्ट कर रहा था ओ ये टेस्ट कर रहे थे बोलो हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली जोर से बोलो खाना खाए नहीं क्या सुबह से हाँ खाना दे दो सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए अभी एक बज गए हम लोग लॉन्च भी नहीं किए क्योंकि हम एक नहीं दो बज रहा है दो बज रहा है ठीक है विदाउट लंच दो बज रहा है क्योंकि हम लोग सुबह से गए थे बाहर मार्केट हम लोग क्रैकर्स लाना था घर के कुछ सब्जियां लाना था कुछ भी नहीं था तो इसीलिए हम गए थे और अभी लौट रहे हैं तो बना रहे हैं पता नहीं क्या होगा आज मैं सोची थी कि नाइट का जो डिनर का प्लान है वो बना दूंगी 3 बजे लेकिन अभी तक लंच भी नहीं किए हैं और मशरूम चाहिए और इसमें क्या करना है जी हमारा लंच अभी प्रिपेयर हो गया है ये है फ्राइड राइस मैं बनाई थी हम लोग अभी 3 बज गया है और हम लोग अभी लंच कर रहे हैं तो बहुत सारा खाना भी बन गया है तो डिनर के लिए कुछ प्लान नहीं हूँ सिर्फ मालपुआ बनाऊँगी मिठाई में ये है दाल फ्राई ये सलाद Thank you.
की सब्जी ये सब हम लोग लंच में करेंगे और रात के लिए भी बहुत सारा खाना बच जाएगा, मुझे पता है बहुत सारा मैं बना दी हूँ। और सिर्फ मैं मिठाई में बनाऊँगी मालपुआ, तो ज़रूर आप लोगों से दिखाऊँगी कि कैसे बनाई हूँ मैं केले की मालपुआ बनाऊँगी। जब भी 5 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पे दिया सब, मतलब दिया में सब तेल और बाती डालने में, क्योंकि अभी प्रिपेयर करके रखूँगी तो शाम होते ही हम लोग दिया जला पाएंगे। तो अभी मैं दिया सब ठीक करके रखने के बाद जाऊँगी रंगोली बनाने। रंगोली तो मुझे ठीक से आता नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। जो भी आएगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग व्लॉग एन्जॉय कीजिए और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। गाइज यहाँ पे मैं बना रही हूँ केले की मालपुए, इसका रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था और हम लोगों को पूजा भी करना था और खीर भी बनाना था। तो ये वाला रेसिपी मैं और कभी आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर, तो आज मैं शेयर नहीं कर पाई इसीलिए सो सॉरी। और अभी मुझे प्रिपेयर भी होना है, तैयार होके फिर दिया जलाना है और पूजा भी करना है, बहुत लेट हो गया है। आप लोगों को पता है कि हम लोग बहुत लेट से ही लॉन्च किए। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग और मैं जाती हूँ अभी तैयार होने। Thank you.
अच्छा सबुआ कितने सुंदर देखा ना Thank you.
तो गाइज अभी हम लोगों का सारा काम खत्म हो गया है, हम लोग जाएंगे अभी पूजा करने। पूजा का कोई भी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो गया था, इसीलिए सो सॉरी। लेकिन अभी मैं पूजा खत्म करने के बाद आप लोगों को करवाऊंगी होम टूर। और होम टूर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि होम टूर कैसा लगा। ये है हमारे होम की एंट्रेंस, इसमें कि मैं एक रंगोली और साइड में एक पाम ट्री में लाइट लगा दी हूँ। हमारे सूर्य, इसके ऊपर मैं कुछ सजावट करती हूँ। यहाँ पे हम लोगों का कुछ मेमोरी लगा हुआ है, पाम ट्री, और ये है हमारे डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया को डिवाइड करता है ये हमारे सोफे एरिया। ये है सेंटर टेबल जिसको कि मैं आप लोगों को बताई थी मैं कैसे सजाई हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपको वीडियो नहीं दिखी हो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। और ये हूँ मैं, यहाँ पे मैं बीच में एक रंगोली डालती हूँ जैसे जैसे करके क्योंकि मुझे अच्छा रंगोली नहीं आती है। और वहाँ पे है हमारा डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल को भी मैं कैसे डेकोर की हूँ उसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन क्लिक करके जरूर देखना। और यहाँ पे है हम लोगों का लिविंग एरिया का बालकनी जिसमें कि मैं टीनी सा गार्डन बना चुकी हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को। वहाँ पे मैं तुलसी पौधा भी रखी हूँ। एंड ये है गाइज हम लोगों का लिविंग एरिया बालकनी जिसे कि मैं DIY करके जो भी पेपर से बनाई थी सब लगाई हूँ। यहाँ पे है वृंदावती जी, यहाँ पे मैं रंगोली बना दी हूँ, दिया लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ वृंदावती जी के पास पूजा होता है दिवाली के दिन। और होम टूर कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे आगे ऐसे वीडियो बनाने में भी मोटिवेशन मिलेगा। जजमेंट करना क्योंकि मुझे रंगोली नहीं आता है, मैंने यूट्यूब देख के ही जहाँ जो भी पकाई हूँ यूट्यूब देख के ही करी हूँ, मतलब रंगोली बनाई हूँ। ये है हमारे बेडरूम, और यहाँ पे भी मैं कुछ सजावट की हूँ, आप लोगों को लाइट ऑफ करके भी दिखा दूंगी। साइड टेबल में मैं कुछ दिया हुआ कैंडल लगाई हूँ, और ऊपर कुछ हम लोगों का मेमोरीज है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कैंडल्स में वाटर कैंडल में DIY करके ही बनाई हूँ, इसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और लाइट ऑफ करने के बाद देखिए हमारे बेडरूम कितना अच्छा लग रहा है। ये है हमारे बेडरूम की बालकनी।
किया करते हैं तो अभी होता है ब्लॉग एंड। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।